हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखिए बहुत ही टेस्टी सा ये पनीर कबाब हमने बनाया हुआ है। ये बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी और क्रंची है। आप इसे एक बार मेरी तरीके से ज़रूर बना के ट्राई करिए। तो देखिए ये है हमारे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स जो कि हमें इसमें यूज़ होंगे। तो ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या क्या है। ये है धनिया पाउडर, ये मैंने 1 टीस्पून लिया हुआ है। और ये है रेड चिली पाउडर, ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, ये मैंने 1 टीस्पून लिया है। ये है 1 टीस्पून चाट मसाला। और ये हरी मिर्च एक मैंने कट करके लिया, वह अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले। और ये है गरम मसाला, ये मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। और ये है भुने हुए जीरे का पाउडर, ये भी मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। और इसमें नमक है, ये भी मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। और ये करी लीव्स हैं जिसे मैंने कट करके छोटे छोटे पीसेस में लिए हुए हैं। और ये थोड़ी सी किशमिश है, ये आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। और ये है थोड़ी सी हमारे पास हरे धनिया की पत्ती जिसे मैंने कट करके छोटे छोटे पीसेस में लिए हुए हैं। और ये है हमारे पास पनीर जो कि है 200 ग्राम मैंने ग्रेट करके लिया हुआ है, आप इसे ग्रेट करके ले। ये है आलू, ये उबला हुआ 4 मीडियम साइज़ का आलू है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। इस तरीके से ज़्यादा अच्छे से होता है, इसे आप मैश करने के बजाय ग्रेट ही करें, इससे रेसिपी बहुत ही अच्छी बनती है। फिर इसमें हमें अगला इंग्रेडिएंट्स चाहिए अदरक, ये मैंने 1 इंच अदरक लेके ग्रेट किया हुआ है। आप इसकी जगह इसका पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ मैंने बनाया हुआ है ब्रेड क्रम्स, ये मैंने 5 ब्रेड को ग्राइंड करके इसे बनाया हुआ है। इस तरीके से आप भी ब्रेड क्रम्स तैयार करके इसे साइड रख लें। फिर इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ा सा बोल, इसको हम यहाँ पर रख देंगे। फिर हमें इसमें सबसे पहले ऐड करना है ग्रेटेड पनीर, इसे हम पूरा डाल देंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेट किया हुआ आलू जो मैंने पहले से ही बॉयल करके ग्रेट करके रखा हुआ है। फिर इसमें हमें ग्रेटेड जिंजर ऐड करना है। फिर हम इसमें एक एक करके अपने सारे मसाले ऐड करेंगे। गरम मसाला ये है, ये जीरा पाउडर, ये है नमक, और ये है करी लीव्स, और ये है मसाला, ये है रेड चिली पाउडर, और ये है धनिया पाउडर। इन सारे को डालने के बाद हम इसमें ग्रीन चिली ऐड करेंगे। आपको अगर ग्रीन चिली और ज़्यादा करना हो तो और ज़्यादा डाल सकते हैं। फिर इसमें किशमिश डाल के हम इसमें हरा धनिया भी ऐड कर देते हैं जो मैंने कट करके साइड में रखा हुआ है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और कलर आता है इसमें। ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से हाथों से मिक्स कर लेंगे जिससे कि अच्छी तरीके से एक दूसरे में मिल जाए। इस मिक्सर को बनाने के लिए एक टिप भी है, इसमें आलू जो है वो ज़्यादा पानी डाल के इसको बॉयल ना करें। आलू ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए जिससे ये मिक्सचर अच्छा बनता नहीं है। इस रेसिपी को अच्छा बनाने के लिए हमें सूखा आलू ही डालना है। और आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसी और न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए इसे सब्सक्राइब कर दें और हमारा बेल आइकॉन ऑन कर दें। और ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे सारा मिक्स कर लिया है। हमें चाहिए एक प्लेट, इसे हम साइड रख देंगे। फिर इसमें से एक नींबू के शेप का निकाल के बॉल्स, इसका हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। इस तरीके से बॉल बनाने के बाद फिर हम इसे दबाते हुए पैटी का शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरीके से, जिससे ये साइड से बिल्कुल इवन रहे और बीच से बराबर रहे। इसे हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़े मोटे में ही रखना है। ये देखिए इस तरीके से ही इसे हम साइड कर लेते हैं। और इसी साइज़ का हम और भी ऐसे बॉल्स करके पैटी की शेप का बना के इसे हम साइड रख देंगे। इस तरीके से अच्छे से बन जाता है, बिल्कुल गीला नहीं है इसलिए चिपचिपा भी नहीं है। हमें बिना हाथ में कुछ लगाए भी हम इसे बना सकते हैं, बना के हम साइड कर लेंगे। ये देखिए ये हमारी सारी पैटी बन के तैयार हो चुकी हैं। इस तरीके से आप भी इसे बना के तैयार करके इसे 2 दिन तक फ्रिज में भी रख के इसे चला सकते हैं। एयर टाइट डिब में आप रख देंगे तो इसे जब चाहे तो आप निकाल के इसे फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब हमें चाहिए एक बोल, इसे मैंने लेके इसमें डालना है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर हमें 3 स्पून डालना है, आप इसकी जगह मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमें इसमें डालना है पानी, पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके इसे मिक्स करते हुए डालना है। ये देखिए इसी तरीके से हमें ऐसा गोल बना के तैयार कर लेना है।
इसे साइड करके हमें ब्रेड क्रम्स रखना है। फिर हमें ये जो हमने कबाब बना के रखे हुए हैं इसे इस कॉर्नफ्लोर के स्लरी में डुबो के, इसे अच्छे तरीके से डुबो के फिर इसे निकालना है और इसे निकाल के ब्रेड क्रम्स में डाल देना है। इस तरीके से घुमाते हुए अच्छी तरीके से इसे कोट करना है। कोट करके फिर हमें इसे साइड रख देना है। ये देखिए इस तरीके से कोट करना है अच्छी तरीके से। इसी तरीके से हम सारे ब्रेड को कॉर्नफ्लोर में डुबो के इसे निकाल के ब्रेड क्रम्स में कोट करके इसे अच्छे तरीके से रख लेंगे। ये देखिए ये सब अच्छे से तैयार हो चुके हैं, तो हम इसे फ्राई करने के प्रोसेस में चलते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में पहले से ही तेल गर्म करने के लिए रख दिया था। ये अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, इसे हमें हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है। तो जब तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब हमें इस कबाब्स को इसमें डाल के इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। इसे हम उठा के देखेंगे ये एक साइड हो चुका है कि नहीं। ये एक साइड हो चुका है तो हम इसे पलट के दूसरे साइड भी अच्छी तरीके से क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। ये दोनों तरफ अच्छी से क्रिस्पी हो चुका है, हम इसे निकाल लेते हैं। इस तरीके का हो चुका है तो हम सारा निकाल लेंगे और इसमें हम दूसरा बैच फिर से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए टेस्टी और बहुत ही क्रंची हमारे पनीर के कबाब्स बनके तैयार हैं। अगर आपको भी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।